क्या आप जानते हो कि कॉल सेंटर एक ऐसा जॉब होता है जहां पर आपको आने जाने के लिए ऐसी कार भी दी जाती है, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी भी दी जाती है और एक अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है, पर फिर भी लोग इसको ज्वाइन करने के बाद मुश्किल से मुश्किल 2 महीने तक ही क्यों टिक पाते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं टिक पाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं कॉल सेंटर के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में कुल आपको 5 यहाँ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो जिम्मेदार होती हैं कि कोई भी बंदा कॉल सेंटर पर क्यों नहीं टिक पाता है। अब यहाँ पर मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हर कॉल सेंटर पर आपको अच्छी पेमेंट मिलती है। कुछ कॉल सेंटर्स ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल होती हैं, जिसको डोमेस्टिक कॉल सेंटर बोला जाता है, और जहाँ पर आपको इंग्लिश आना अनिवार्य है वहाँ पर आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको इतने अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं। अब इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि इसके लिए अब किसी भी डिग्री की ज़रूरत तो होती नहीं है। अगर आपको कॉल सेंटर ज्वाइन करना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है कि आपको इंडिया के किसी एक भाषा का नॉलेज होना चाहिए या फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए विथ हिंदी। ठीक है, अब आपको किसी एक भाषा का नॉलेज है, आपको इंग्लिश आती है, तो आप कॉल सेंटर पर जाके कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेके उससे ज्वाइन कर सकते हो और आपको अच्छी खासी पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं। देन ये तो था रीज़न नंबर 1, बट जो रीज़न नंबर 2 है उसके वजह से कुछ ज़्यादा ही लोग इस काम को छोड़ देते हैं, और वो ये है कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। या तो आप कस्टमर से चैटिंग से बात करो और उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, या फिर आप कॉल पे बात करो। अब ऐसे में कई बार क्या होता है, बहुत से अलग अलग टाइप के कस्टमर मिल जाते हैं। कुछ अच्छे से बात करते हैं, कुछ बहुत ही बुरी तरीके से बात करते हैं, रूडली बात करते हैं। कुछ कस्टमर तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो गाली तक देना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई इस जगह पर जो है उस कंपनी की गलती है जिसके तरफ से वो बंदा बात कर रहा है, ना कि उस बंदे की गलती है जो आपसे बात करके आपको सॉल्यूशन बता रहा है। वो तो अपना काम कर रहा है भाई, वो तो अपना सॉल्यूशन बता रहा है आपको। उसको गाली देना जो लोग स्टार्ट कर देते हैं, और उस बंदे के पास ये मजबूरी होती है भाई कि उसको गाली सुनना होता है। अगर वो गाली नहीं सुनेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी चुपचाप कस्टमर की गालियां सुनता है और फ़ोन काट भी नहीं सकता। ऐसे में बंदे को एकदम से ऐसा लगता है कि उसका जो खुद का एक आत्मसम्मान है वो कहीं खो सा गया है। इसीलिए कई सारे बंदे सिर्फ इसी वजह से कॉल सेंटर को छोड़ देते हैं। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से जो लोग भी कस्टमर केयर वालों को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है वो उसके वजह से नहीं हुई है, वो तो आपकी मदद के लिए है, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। उसको गाली देने से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। उस बंदे को कोई कितना भी गाली दे ले, उसका मन तो होगा कि वो रिप्लाई करे, पर वो रिप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि वो मजबूर है, वरना उसको भी गालियाँ आती हैं और बहुत बुरी बुरी आती हैं। जो बंदा गाली दे रहा है उससे भी ज़्यादा बुरी बुरी आती हैं, पर वो चुप रहता है, रीज़न है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि कॉल सेंटर पर आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, आने जाने के लिए एसी कार मिलता है, पार्टी वगैरह भी होती है, अच्छा खाना मिलता है, लग्जरी लाइफ मिलती है। इसलिए कई सारे जो नए नए बंदे होते हैं वो सिर्फ इस लग्जरी लाइफ को देखकर इसको ज्वाइन कर लेते हैं, पर जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके ऊपर से जो है वो शौक ख़त्म हो जाता है। तो एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर कोई ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कि अधिकतर यहाँ पर जो है वो नई नई लड़कियाँ होती हैं तो कई सारे लड़के और लड़कियाँ तो सिर्फ यही डेटिंग सेटिंग के चक्कर में ही यहाँ पर आ जाते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, बट कुछ दिन के बाद उनसे जब कुछ नहीं हो पाता है तो वो इसको छोड़ देते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। यहाँ पर सबका एक ही इंटेंशन नहीं होता, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सबका एक ही इंटेंशन होता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो मैनेज नहीं हो पाता है, इसीलिए वो कॉल सेंटर में आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, जब उनको कोई काम मिल जाता है छोड़ देते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो लोग यहाँ पर काम करते हैं, कुछ दिनों तक पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने पढ़ाई लिखाई के साथ उनको जब कोई नौकरी मिल जाती है तो वो इसको छोड़ देते हैं, सरकारी जॉब वगैरह मिल जाती है तो इसको छोड़ देते हैं। या फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होता,
होता है, तो वो इस वजह से इस जगह पर पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे ही उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब मैं अगर एक सीधी बात बोलूँ तो यहाँ पर आपको फ्यूचर नहीं मिलता है, इस वजह से भी बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ रोबोटिक हो रहा है। तो आने वाले टाइम में जो कॉल सेंटर का काम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह रोबोट ले रहे हैं। इस वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, फ्यूचर के रूप में नहीं देखते हैं, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कॉल सेंटर को काम दिया करती थी, वो भी आजकल रोबोट्स पर शिफ्ट हो रही हैं, दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रही हैं या फिर ऑटोमेटिक हो रही हैं। इस वजह से इसका काम और ज़्यादा कम और ख़त्म होता जा रहा है। ओके गाइस, ये थे कुछ वो रीज़न जिसके वजह से लोग कॉल सेंटर पर एक या दो महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं anoop_sing_ASK। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।